शटा 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 ये है भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और ये है तवांग सेक्टर। चीन इस पूरे क्षेत्र को साउथ तिब्बत का एरिया मानता है। रेड लाइन से दिख रहे ये सभी इलाके आज भी भारत और चीन के बीच विवाद का हिस्सा हैं। दरअसल भारत चीन के साथ 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। तवांग में LAC के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां चीन और भारत दोनों ही अपना अधिकार समझते हैं और इन क्षेत्रों में दोनों ही देशों के सैनिक गश्त करते हैं। इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा को लेकर तनाव की स्थिति बन जाती है। तवांग और चुंबी घाटी दोनों LAC का ही हिस्सा हैं और सामरिक व कूटनीतिक कारणों से दोनों देश के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि इस तनाव का बीजारोपण भारत को आज़ादी मिलने के साथ ही हो गया था। 1947 में आज़ादी मिलने के साथ ही चीन तिब्बत पर अपने अधिकार को लेकर असुरक्षित हो गया था। उसके बाद कई बार चीन ने किसी न किसी बहाने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की है। साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि युद्ध विराम के बाद चीन मैकमोहन रेखा के उस पार हट गया था। तब से भारत का अरुणाचल प्रदेश ड्रैगन के लिए दुखती रग के समान है। सवाल ये उठता है कि इस इलाके का भारत और चीन के लिए क्या महत्व है। बात भारत की करें तो अरुणाचल प्रदेश का तवांग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चीन की तरफ से LAC पर दो पॉइंट सबसे अहम है, तवांग घाटी और चुंबी घाटी। चुंबी घाटी नेपाल तिब्बत के जंक्शन पर है और तवांग घाटी तिब्बत भूटान जंक्शन पर स्थित है। इन जगहों पर भारत का अधिकार होना बहुत जरूरी है। LAC पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और सीमा को सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों पर भारत का नियंत्रण जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि चीन के लिए तवांग घाटी का क्या महत्व है। अगर चीन का तवांग घाटी पर अधिकार हो जाता है तो तिब्बत पर उसका अधिकार और भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा चीन के लिए फिर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा और चीन भारत नेपाल और भूटान की गतिविधियों पर भी नजर रख सकेगा। अब जब ये इलाका दोनों देशों के लिए ही इतना महत्वपूर्ण है तो संघर्ष होना लाजमी है। हाल ही में एक बार फिर 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी जिसकी वजह से दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि इस झड़प में दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी की भी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। इस विषय पर जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भारत के एरिया कमांडर ने चीन के अपने समकक्ष अधिकारी के साथ फ्लैग मीटिंग की है और दोनों देशों ने सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।